हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शौर्य, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं शौर्यस एक्वाटिक वर्ल्ड। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग विंटर सीजन में अपने सीजन में अपने फिश का ख्याल कैसे रखें। तो ये वीडियो बस केयर के ही ऊपर होगा और इसमें कुछ आपको मैं टिप्स दूंगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन बेटर कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना वक्त गवाए शुरू। से जो पतला जैसा आप देख रहे हैं इसे हीटर कहते हैं, और ये क्योंकि पानी ठंडा हो जाता है सर्दियों के दिनों में, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है अपने टैंक के पानी को गर्म करने के लिए, क्योंकि फिशेस ठंडे पानी में नहीं रह पाती हैं। रिवर्स में भी या लेक्स में भी, जो मीनिंग अगर 5 फीट से गहरा रहता है तो उसका डाउनर पोर्शन गर्म रहता है और अपर पोर्शन ठंडा हो जाता है, इसलिए फिशेस नीचे चल जाती हैं। उसी को हम लोग कॉपी करने के लिए यहाँ पे हीटर लगाते हैं। ये हीटर अराउंड 300 रुपीज़ का आ जाता है। इसमें दो टाइप्स आती हैं, एक तो ऑटो कट ऑफ और एक मैनुअल कट ऑफ करना पड़ता है। तो इसके डिफरेंस ये है कि ये जो ऑटो कट ऑफ वाला रहता है, ये पानी अगर आप जो सेट किए होंगे टेम्परेचर उस पर आने के बाद बंद हो जाती है, उसके बाद फिर जब पानी ठंडा होता है तो ये ऑन हो जाएगी। लेकिन मैनुअल में आपको चेक करते रहना पड़ेगा आपकी टेम्परेचर क्या हो रहा है फिश टैंक का, और उसके बाद खुद से बंद करना पड़ेगा और चलाना भी पड़ेगा इसलिए फ्रेंड्स। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो जो मैनुअल रहता है उसमें आपको पता नहीं चलता है और आपकी फिश बॉइल हो जाती है, वो फिशेस को हार्म करती है, क्योंकि फिशेस कोल्ड बॉडी एनिमल होती है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है, उसे हार्म होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाला हीटर। और मैं इसके साथ एक रिकमेंड करता हूँ थर्मामीटर, चाहे वो ग्लास का हो या डिजिटल हो। अभी मेरे सारे थर्मामीटर मैं 3 खराब हो गए थे इसलिए मैंने हटा दिए। अब फ्रेंड्स आते हैं इनकी फीडिंग के ऊपर, इनकी और हाँ आपके प्रॉब्लम्स के भी ऊपर आएंगे। इनको फीड कम देनी चाहिए ठंड के दिनों में, इसका कारण है कि इनका मोटाबॉलिज्म कम हो जाता है सर्दियों के समय, और इन्हें ओवर फीड करने से बाद में इन्हें कॉन्स्टिपेशन होकर दिक्कत भी हो सकती है, बहुत केसेस में डेथ हो जाती है उसके बाद। तो इन्हें कम खाना दें, ओवर फीड ना करें। उसके बाद ठंड के समय आपको एक चीज़ आप लोग की कंप्लेन रहती है कि टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो रहा है, तो पहले बताइए, आपको पता करना होगा आपकी फिश की टैंक की लोकेशन कहाँ है। अगर किसी ओपन एरिया में है तो आपको एक काम करना है कि किसी कपड़े से उसे ढक देना है रात के समय, इससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और फ्रेंड्स ये जो अगर आप ऐसा वाला फिल्टर यूज़ कर रहे हैं जिसे इंटरनल फिल्टर कहते हैं, तो इसे ये बबल्स निकलते हैं, ये भी पानी को ठंडा ही करते हैं, इसलिए इसे भी कम कर दीजिए। हाँ और फ्रेंड्स मैं आपको एक टिप दूंगा, आप इन्हें ठंड के समय ज़्यादा खाना ना दें, कम ही दें, और मीट फूड आप ज़्यादा खिलाएं, इससे इनके बॉडी में हीट स्टोर रहेगी। और फ्रेंड्स दूसरी टिप्स, आप इनके टैंक को कैसे क्लीन करें। देखिए फ्रेंड्स सर्दियों के दिन में दिक्कत आती है कि टैंक कैसे क्लीन करें, क्योंकि नल से तो पानी ठंडा आता है। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप एक बाल्टी में गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स कर लें, गीज़र हो तो, और उसी बाल्टी के बराबर आप पानी निकाल लें और उस गर्म पानी को डालें, लेकिन वो एकदम बराबर होना चाहिए टैंक के टेम्परेचर से। उसके लिए भी आपको एक थर्मामीटर लेना पड़ेगा, और नहीं तो आप ड्रिप सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, मीनिंग आप एक छोटा सा मोटर लगा दीजिए अपने टैंक के एक टब नीचे लगा के, वो धीरे धीरे करके आपके टैंक में पानी डालते रहेगा, और आपके टैंक और दूसरे एक पाइप लगा दीजिए तो उसी स्पीड से आपके टैंक से पानी नीचे निकालते रहेगा।
इससे आपका टैंक का पानी चेंज होते रहेगा और उतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और एक चीज फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप फिशेस को ओवर फीड कर देते हैं, ये बिल्कुल ना कीजिएगा। और सॉरी, मैं क्या बताने वाला था, मैं भूल गया, हाँ मुझसे याद है। और फ्रेंड्स, आप अपने फिशेस को, यही अच्छा समय है कि इनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो अगर आप इन्हें टैंक शिफ्ट करें या फिर कुछ करना चाहते हैं इनके साथ तो वो अभी करें। इसका रीज़न है कि ग्रोथ शिफ्ट मीनिंग, अगर आप इन्हें स्ट्रेस कर देते हैं तब भी इनकी ग्रोथ नहीं होती है और गर्मियों में ग्रोथ चलती रहती है, तो गर्मियों के समय ना ही करने में फ़ायदा है। अगर आप इनका टैंक चेंज करना चाहते हैं तो आप इन्हें निकालिए, दूसरे टैंक में कर दीजिए, लेकिन टेम्परेचर और पीएच सेम रहना चाहिए क्योंकि इस समय ये ज़्यादा ग्रोथ कर नहीं रही है। आप इन्हें दूसरे टैंक में भी डाल देंगे तो इन्हें कोई फ़र्क खास नहीं पड़ेगा और गर्मियों तक ये ठीक हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स प्लीज़, मुझे मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और तब तक का सिनेमैटिक व्यू एंजॉय कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।